हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि द्रवों में किस प्रकार से विद्युत धारा का चालन होता है। इस भाग में हम समझेंगे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया क्या होती है और इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे दो प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, सुचालक किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे क्या कहलाते हैं, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण अगर हम देखें तो तांबा, एल्यूमिनियम आदि क्या हैं, विद्युत के सुचालक पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आसु जल में विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं होता है। तो बच्चों, हमें पता है कि आसु जल जो होता है वो सभी प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त होता है और उसमें कोई भी लवण जो है वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि आसु जल में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है क्योंकि यह लवणों से मुक्त होता है। तो बच्चों, ये हो गए हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो कौन से रासायनिक प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। इसे समझने के लिए बच्चों हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है बच्चों हमें, यहाँ पर हम लेंगे दो बेकार सेल, जो हमारे घड़ी के सेल खराब हो जाते हैं, तो हम उन दो बेकार सेलों को लेंगे और उन्हें खोलेंगे। और क्या करना है हमें, उसमें से जो कार्बन की छड़ें हैं उन्हें हमें टोपी सहित निकालना है, यानी कि सेल के ऊपर जो टोपी है उसके सहित हमें उन कार्बन छड़ों को अलग करना है। फिर क्या करेंगे बच्चों हम कि जो उसकी धातु की टोपियां हैं उन पर हम तांबे के तार लपेट देंगे, जो ऊपर उनकी टोपी वाला भाग है उस पर हम तांबे का तार लपेट देंगे। और फिर क्या करना है हमें कि इन दोनों इलेक्ट्रोड को, इन दोनों जो हमारी कार्बन की छड़ है उन्हें हमें बैटरी से जोड़ देना है। तो बच्चों ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे इलेक्ट्रोड। इन दोनों छड़ों को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोड कहेंगे। चित्र में देखिए कुछ इस तरह से हमें इन सेलों की व्यवस्था करनी है। क्या किया है बच्चों हमने कि कार्बन की छड़ निकाल दी है और इसका जो टोपी वाला सिरा है उस पर तांबे का तार लपेट दिया है और इस तार को हमने जोड़ दिया है बैटरी से, और दूसरे तार को हमने जोड़ा है दूसरी छड़ से और उसे भी हम क्या जोड़ देंगे, बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। तो इस तरह जो है हमें इस परिपथ को पूरा करना है। अब बच्चों क्या करेंगे हम जो है एक गिलास में लेंगे थोड़ा सा जल और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनको उस जल में हम डुबो देंगे। और क्या ध्यान रखना है बच्चों हमें कि जो हमारा ये जो इलेक्ट्रोड है उसकी जो टोपी वाला सिरा है वो जल से बाहर रहना चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों हम कि कांच के ग्लास में हमने जल भरा और बच्चों उस जल को हम और अधिक चालक बनाने के लिए उसमें मिला देंगे थोड़ा सा नमक, साधारण नमक जो हम खाने में काम में लेते हैं वो नमक हमें इसमें मिलाना है। और जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड हैं यानी कि दोनों जो कार्बन की छड़ है उसे हमें इस जल में डुबो देना है। ध्यान क्या रखेंगे हम कि जो धातु की टोपियां हैं वो जल से बाहर रहनी चाहिए। अब कुछ देर तक हम प्रतीक्षा करेंगे, इसे हम देखेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रेक्षण नोट करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बच्चों ये जो हमारा परिपथ है ये पूरा हो गया है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने से कुछ रासायनिक प्रभाव हमें दिखाई देंगे। क्या क्या हो सकते हैं बच्चों रासायनिक प्रभाव, हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है और इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोडों पर जो है हमें गैस के बुलबुले दिखाई दे सकते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप हो सकता है जिसे हम विद्युत लेपन कहते हैं, या फिर क्या हो सकता है कि विलयन जो है उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। तो यानी कि जब वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया होगी और उस रासायनिक अभिक्रिया के जो है हमें ये प्रभाव दिखाई देंगे। बच्चों इस प्रक्रिया को सबसे पहले किसने बताया था, एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थे, कौन थे, विलियम निकल्सन। इन्होंने सन 1800 में जो है ये बताया था कि यदि इलेक्ट्रोड को जो है किसी विलियन में रखा गया है और वो विलियन विद्युत धारा का चालन कर रहा है, यानी कि परिपथ हमारा पूरा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ये है विलियम निकल्सन, इन्होंने जो है इस प्रक्रिया को समझाया था। क्या कहा था बच्चों इन्होंने कि जो ऑक्सीजन के बुलबुले हैं ये बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े
इलेक्ट्रोड पर हमें दिखाई देंगे और जो हाइड्रोजन के बुलबुले हैं वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर यानी कि जो रिन टर्मिनल है उससे जुड़े इलेक्ट्रोड पर दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये हो गया विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, किसमें? हमारे जल में। अब देखते हैं हम कि फल और वनस्पति में विद्युत धारा के प्रभाव का क्या रासायनिक प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो बच्चों इसको समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों? हमें एक आलू लेना है और उस आलू को हम क्या करेंगे, दो बराबर भागों में काट देंगे। एक हिस्से को हम अलग रख देंगे और दूसरा हिस्सा हम अपने प्रयोग में काम में लेंगे। अब क्या करना है बच्चों हमें कि हमारा जो सम परिक्षेत्र है उसके जो हमने दो तार खुले छोड़े थे, तार के जो दो सिरे हमारे पास खुले थे उसको हम क्या कर देंगे, इस आलू में निर्विष्ट कर देंगे और थोड़ी देर तक हम क्या होने देंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने देंगे। और कुछ समय पश्चात जब हम प्रेक्षण नोट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा एक तार है उसके चारों तरफ जो है हमें नीला हरा धब्बा दिखाई दे रहा है, जबकि जो दूसरा तार है उसके चारों तरफ ऐसा कोई भी धब्बा दिखाई नहीं देता है। इस क्रियाकलाप को जब हम बार बार दोहराएंगे तब भी हम पाएंगे कि हर बार क्या हो रहा है, केवल जो धन टर्मिनल से संयोजित तार है उसके चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आलू है इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और रासायनिक प्रभाव के कारण ही क्या हो रहा है, यहाँ पर जो धन टर्मिनल से जुड़ा तार है उसके चारों ओर नीला हरा धब्बा बन जाता है। यानी कि फल और वनस्पतियों में भी क्या हो रहा है बच्चों, विद्युत धारा का चालन हो रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में विद्युत लेपन। बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम कोई नई साइकिल खरीदकर लाते हैं तो जो साइकिल का हैंडल होता है या उसके पहियों की रिम होती है वो एकदम हमें नई नई चमकती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ साथ जो धातु के बर्तन होते हैं और महिलाओं के आभूषण होते हैं, ये सब वस्तुएं कैसी होती है, बहुत ही चमकदार जो है हमें दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे उपयोग में लेते जाते हैं तो धीरे धीरे इनकी चमक कम होती जाती है और इनकी जो ऊपर की परत है वो हटती जाती है। तो बच्चों इन सभी वस्तुओं में क्या होता है कि एक धातु के ऊपर जो है दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है और इसी कारण जो है ये वस्तुएं हमें चमकीली दिखाई देती है। तो ये जो प्रक्रिया है विद्युत लेपन के द्वारा जो है की जाती है। बच्चों क्या होता है विद्युत लेपन, इसको समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों हमें कि हम जो है 10x4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की दो प्लेट लेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों प्लेटों को हमें जो है रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेना है और पानी से अच्छे से धो लेना है। फिर क्या करेंगे बच्चों हम कि जो तांबे की प्लेट है इनको हम क्या करेंगे, एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कर देंगे। यानी कि एक जो प्लेट है उसे हमने बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ना है और जो दूसरी प्लेट है उसे हमें बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देना है। और क्या करेंगे हम इन दोनों प्लेटों को रखेंगे किस में बच्चों, कॉपर सल्फेट के विलयन में। एक पात्र में हम कॉपर सल्फेट भरेंगे और इन दोनों प्लेटों को जो है उस कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। तो क्या होगा बच्चों, इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगी और थोड़े समय बाद जो है हम इसके प्रेक्षण नोट करेंगे। क्या करेंगे हम, कुछ देर तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने देंगे और उसके पश्चात हम इन दोनों प्लेटों को बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इसमें प्रेक्षण नोट करेंगे। तो हम क्या पाएंगे बच्चों कि जो हमारा ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट थी उस पर जो है तांबे की परत एक चढ़ गई है। यानी कि क्या हो रहा है, दूसरी प्लेट से तांबा जो है वो इस प्लेट के ऊपर आकर निक्षेपित हो गया है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या की, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो कॉपर तथा सल्फेट में जो है वो योजित हो जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट जो था हमारा वो कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है बच्चों कि जो स्वतंत्र कॉपर है, ये जो कॉपर सल्फेट से जो कॉपर स्वतंत्र हुआ है वो क्या करता है, बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित जो हमारी प्लेट है उस पर जाकर निक्षेपित हो जाता है, उस पर उसकी ओर आकर्षित होगा और उस पर जाकर निक्षेपित हो जाएगा। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है यानी कि हमने जो दूसरी प्लेट ली है वहाँ पर क्या हो रहा है, वो भी किसकी बनी हुई है, तांबे की बनी हुई है। तो वहाँ से समान मात्रा का कॉपर जो है वो किस में घुल जाएगा, विलयन में घुल जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है बच्चों, जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन था उससे कॉपर तो कहाँ निक्षेपित हो रहा है, ऋण टर्मिनल वाली प्लेट पर। अब उस विलयन के अंदर जो है कॉपर की मात्रा कम हो रही है तो उसमें कॉपर कहाँ से आ रहा है, जो दूसरी प्लेट है वहाँ से कॉपर जो है उस विलयन के अंदर घुल रहा है। और ये प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती रहती है। क्या होगा कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ऋण टर्मिनल पर तो कॉपर जमा हो रहा है और जो हमारा धन टर्मिनल वाली प्लेट है दूसरे इलेक्ट्रोड वाली, वहाँ का कॉपर क्या है, विलयन में घुल जाता है। ये प्रक्रिया लगातार
चलती रहती है और इससे क्या हो रहा है कि एक धातु जो है वो दूसरी धातु पर निक्षेपित हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड से कॉपर क्या हो रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जब विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित की जाती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। क्या हो रहा है इस प्रक्रिया में कि कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाकर निक्षेपित हो रहा है, यानी कि धातु जो है वो स्थानांतरित हो रही है और यह प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। इसके बहुत सारे उपयोग हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों कि कार के जो भाग होते हैं, स्नान गृह की टोटियाँ होती है, या फिर गैस बर्नर है, साइकिल के हैंडल हैं, पहियों की रिम है, या फिर जो महिलाओं के आभूषण होते हैं उनमें क्या होता है, विद्युत लेपन काम में लिया जाता है। और बच्चों ये जो हमारे साइकिल के हैंडल है, पहियों की रिम है, इन सब में किसका लेपन होता है, क्रोमियम धातु का लेपन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि क्रोमियम जो है वो एक बहुत ही चमकदार धातु होती है और ये जो है संक्षारित नहीं होती, यानी कि इस पर जो है जंग नहीं लगती है और ये खरोंचों के लिए भी प्रतिरोधी होती है। तो जो वाहन है उनके ऊपर इस क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि जो नकली आभूषण होते हैं उन पर सोने और चांदी का विद्युत लेपन किया जाता है। क्या होता है बच्चों इसमें कि क्या कर रहे हैं, आभूषण तो क्या है, नकली हैं, किसी और धातु के बने हुए हैं, लेकिन उस पर हमने किसकी परत चढ़ा दी है, सोने और चांदी की परत चढ़ा दी है। तो ये जो आभूषण होते हैं ये क्या हो रहे हैं, देखने में तो हमें सोने और चांदी के जैसे दिखाई देते हैं लेकिन इनका मूल्य जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके अलावा बच्चों जो लोहे के डिब्बे होते हैं खाद्य सामग्री को संचय करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उनमें भी क्या होता है, उनमें टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि टिन क्या है, लोहे से कम क्रियाशील होता है और जो लोहा है वो खाद्य पदार्थ के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि उसमें हमने जो है टिन का लेपन कर दिया है, तो हमारी जो खाद्य सामग्री है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसके अलावा बच्चों जो पुल होते हैं या फिर जो स्वचालित वाहन हैं उनको मजबूत बनाने के लिए उनमें लोहे का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमें पता है कि लोहा तो क्या होगा, धीरे धीरे संक्षारित हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इन पर जो है जिंक की परत चढ़ा देते हैं ताकि क्या हो, जो पुल है हमारे वो जल्दी से खराब ना हो, यानी कि संक्षारित ना हो, वरना क्या होगा अगर वो मजबूत नहीं रहेंगे तो कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि उस लोहे पर जो है जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है, विद्युत लेपित कर दी जाती है। तो बच्चों ये हो गए हमारे विद्युत लेपन के उपयोग और यहाँ पर जो है इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।